महंत नरेंद्र गिरी मामले में बड़ी खबर यह आ रही है कि आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में संदीप तिवारी को भेजा गया है। संदीप तिवारी का भी नाम उस सुसाइड लेटर में मौजूद है जो कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके कमरे से मिला था। महंत नरेंद्र गिरी मामले में पहले से ही आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल चुकी है और अब खबर यह आ रही है कि संदीप तिवारी को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हिरासत में भेजा गया है संदीप तिवारी, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अजीत हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, और क्या डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल, तीसरा आरोपी था संदीप तिवारी, आनंद गिरी और आद्या तिवारी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है 14 दिन के लिए और आज संदीप तिवारी की पेशी थी। संदीप तिवारी को भी उन्होंने रिमांड पर मांगा था लेकिन अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजी और कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा गया। हालांकि जो आनंद गिरी है उन्होंने भी अर्जी लगाई थी कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए लेकिन अब संदीप तिवारी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जी अजीत, आपके साथ मैं जुड़ूंगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, नरेंद्र गिरी मामले में संदीप तिवारी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और इससे पहले ही आनंद गिरी और आद्या तिवारी को जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की मिल चुकी है।